हमने जो कहा वो करके दिखाया है, जो कहा था वो करके दिखाया है। और ये भी कहने के लिए आए हैं, कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया है कि धर्म परिवर्तन के लिए जाति शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं किया जाना चाहिए, इसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। और इसलिए सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे, एक प्रभावी कानून बनाएंगे। छद्मवेश में चोरी छुपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। भाइयों बहनों, हम लोग मिशन शक्ति के कार्यक्रम को इसीलिए चला रहे हैं। मिशन शक्ति के कार्यक्रम का मतलब यह है कि हम हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देंगे, लेकिन उस सब के बावजूद अगर किसी ने दुस्साहस किया तो ऑपरेशन शक्ति अब तैयार है। और ऑपरेशन शक्ति का उद्देश्य यही है कि हम लोग हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे। और इसी दिशा ऑपरेशन शक्ति के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ जो हम चल रहे हैं, न्यायालय के आदेश का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा। आज के इस अवसर पर भाइयों बहनों, इसीलिए गरीब किसान नौजवान के बेटे को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच उतारा है। मनोज कुमार सिंह जी एक छात्र नेता रहे हैं, सीधे साधे जनता से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए, नौजवानों से जुड़े हुए, निस्वार्थ भाव के साथ जनता के हितों के लिए कार्य करने वाले। और मैं मदनी विधानसभा क्षेत्र की जनता से इस बारे में अपील करूंगा, जनता के हित के लिए ईमानदारी से कार्य करने वाले लोगों को समर्थन मिलना ही चाहिए। और ये जनता की पीड़ा को जानते हैं, किसानों की पीड़ा को जानते हैं, नौजवानों की पीड़ा को जानते हैं। और नौजवानों और किसानों की पीड़ा के साथ आपके साथ सहभागी बनने के लिए जितनी भारी संख्या में आप लोग यहां पर आए हैं, आप सबसे मेरी अपील है, याद रखना, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें बूथ का एक कार्यकर्ता विधायक भी बन सकता है, सांसद भी बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकता है, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है और प्रधानमंत्री भी बन सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है, अन्य दलों में नहीं। अन्य दलों में क्या कांग्रेस में संभव है कि वहां का अध्यक्ष कोई बाहरी व्यक्ति बन जाएगा? क्या समाजवादी पार्टी में संभव है? और इसलिए टिकट भी एक सामान्य कार्यकर्ता को, आपके बीच के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आप सबसे अपील है कमल चुनाव चिन्ह पर मनोज कुमार सिंह जी को भारी मतों से विजयी बना के लखनऊ पहुंचाएंगे। सभी लोग मुझे बताएंगे, इधर उधर सभी लोग एक बार हाथ खड़ा करके मेरे सामने थोड़ा बता दो, इतनी भारी संख्या आपकी है और इतनी भारी संख्या आपकी मनोज कुमार सिंह जी के समर्थन में सहयोग करेगी? आपके पास स्मार्टफोन भी होगा ना? तो भाइयों बहनों, ये स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके नातेदार, रिश्तेदार, मित्रगण, सुखचिंतागण, इन सबको बताने की आवश्यकता है, कमल चुनाव चिन्ह पर मनोज कुमार सिंह जी को 3 नवंबर को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय 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 जय।